आपके साथ आंचल तिवारी और आप देख रहे हैं जनरल। भारत के G7 30 और Eutelsat के Eutelsat Connect को फ्रेंच गुआना के कुरो लॉन्च केंद्र से सुबह 2:35 पर प्रक्षेपण वाहन एरियन 5VA251 से छोड़ा गया। 38:25 की उड़ान के बाद G7 30 पांचवें चरण में एरियन 5 से अलग होकर अंडाकार GOC क्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रवेश करके 3,357 किलोग्राम भार का G7 30 कुछ इन ऑर्बिट उपग्रहों में परिचालन सेवाओं को निरंतरता प्रदान करेगा। G7 30 इसरो की पहले की इंसेंट G7 उपग्रह श्रृंखला की अगली कड़ी है और यह इंसेंट 4A को कक्षा में प्रतिस्थापित करेगा। बता दें कि इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर सिवन ने कहा कि G7 30 में लचीले आवृत्ति खंड और लचीले कवरेज प्रदान करने का एक अनूठा विन्यास है। उन्होंने बताया कि यह उपग्रह KVU बैंड के जरिए भारत एवं इसके द्वीपों और सी बैंड के जरिए खाड़ी देशों, कई एशियाई देशों और ऑस्ट्रेलिया में संचार सेवा प्रदान करेगा। डॉक्टर सिवन ने यह भी बताया कि G7 30 DTH टेलीविजन सेवा, ATM स्टॉक एक्सचेंज, टेलीविजन अपकमिंग एंड टेलीपोर्ट सर्विस, डिजिटल सैटेलाइट न्यूज गैदरिंग, DSNG और ई गवर्नेंस अनुप्रयोगों के लिए VSAT कनेक्टिविटी प्रदान करेगा। इस उपग्रह का उपयोग उभरते दूरसंचार अनुप्रयोगों के लिए बड़ा डेटा ट्रांसफर करने में भी किया जाए। आपको बता दें कि 2020 का इसरो का पहला मिशन G7 30 3,357 किलोग्राम भार का है। इससे इंटरनेट स्पीड बढ़ेगा, मोबाइल नेटवर्क का विस्तार होगा। यह देश की सबसे ताकतवर संचार सैटेलाइट है। 15 साल तक काम करेगा G7 30। आपको बता दें कि यह इंसेंट 4A को कक्षा में प्रस्थापित करेगा। आपको बता दें कि कर्नाटक के हासन में इसरो के मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी MCF ने G7 30 के प्रक्षेपण वाहन से अलग होते ही कमान और नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया है। उपग्रह की प्रारंभिक जांच में पता चला है कि वह सामान्य स्थिति में है। उपग्रह को भू स्थित कक्षा भू मध्य रेखा से 36,000 किलोमीटर ऊपर में स्थापित करने के लिए आने वाले दिनों में इसके ऑन प्रोपल्शन सिस्टम का उपयोग करते ही इसे ऊपर उठाने की कोशिश की जाएगी। कक्षा उठाने के अंतिम चरण के दौरान 200 सरणियों और G7 30 के एंटीना रिफ्लेक्टर तैनात किए जाएंगे। इसके बाद उपग्रह को अपने अंतिम कक्षीय विन्यास में रखा जाएगा। सभी इन ऑर्बिट परीक्षणों के सफल समापन के बाद यह उपग्रह चालू हो जाएगा। तेजी महाराष्ट्र खास रिपोर्ट। इसी तरह के देश और दुनिया के खबरों के लिए बने रहिए एचएम न्यूज़ के साथ। और यदि आपको हमारी न्यूज़ अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।